हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सेवेंटीथ ऑफ अप्रैल 2021 17 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे क्या करके पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 ट्वेंटी वन इज रिसेंटली रिलीज बाय इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज करती है ऑप्शनस आर वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर टू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मानस प्लेटफॉर्म कल मैंने आपको मानस ऐप के बारे में बताया था क्वेश्चन आ गया उसके लिए पहला स्टेटमेंट है इट इज अ नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म टू ऑगमेंट द मेंटल वेलबींग ऑफ इंडियन सिटीजन दूसरा स्टेटमेंट है इट इज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स एंड डब्ल्यू एच ओ कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत वन ओनली टू ओनली बोथ या नन क्वेश्चन नंबर थ्री है स्टेट ऑफ कर्च कनेक्ट्स ब्लैक सी विद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसके साथ कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ कर्च ब्लैक सी को ऑप्शन आर मेडिटेरेनियन सी बी सी ऑफ अजोब सी एजियन सी या डी सी ऑफ क्रेट दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन मिलो फ्रंट पेज की पहले न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं जो दूसरे न्यूज़ और वेबसाइट से हमने लिए हैं पहली न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू रिलीज अ नेशनल लेवल क्लाइमेट वलनरेबिलिटी रिपोर्ट अब याद रखिएगा नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्लरेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकाल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकाल रहा है द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडाप्टेशन फॉर अडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क नाम क्या है रिपोर्ट का क्लाइमेट Vulnerability असेसमेंट फॉर Adaptation प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि क्लाइमेट वलरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडेप्टेशन प्लानिंग इंडिया में ये रिपोर्ट कौन निकाल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकाल रहा है अब ये जो रिपोर्ट निकाली जा रही है ना तो ये जनरेट कैसे की गई ये रिपोर्ट जनरेट की गई एक जॉइंट एक्सरसाइज के थ्रू जो कि इंडिया ने कि किसके साथ स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ठीक है ना तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किसके साथ मिलकर के एक्सरसाइज की स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन कॉपोरेशन ठीक है ना तो स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन के साथ मिलकर के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक्सरसाइज की और इसके थ्रू लगभग चौबीस ट्वेंटी फोर स्टेट्स एंड दो यूनियन टेरेटरीज के अंतर्गत ये सारा एनालिसिस किया गया उसके बाद ये क्लाइमेट वलरेबिलिटी रिपोर्ट निकाली गई है ठीक है ना सो दिस इज द थिंग एंड दिस रिपोर्ट आइडेंटिफाइज द मोस्ट वलरेबल वलरेबल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच आर प्रोन टू क्लाइमेट चेंज तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऐसे स्टेट्स को ढूंढ करके निकाला गया जो कि प्रोन है किसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए तो नेशनल लेवल क्लाइमेट वलरेबिलिटी रिपोर्ट ठीक है ना याद रखेगा नाम क्या है रिपोर्ट का क्लाइमेट वलरेबिलिटी असेसमेंट for adaptation planning in India using a common platform. This is first news. Second news में आते हो तो Russian government has agreed to deliver the first regimental set of S four hundred. अब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया S four hundred क्या है? इसका दूसरा नाम ये Triumph भी है Triumph. और एक और चीज बता दो. NATO जो है NATO का ग्रुप आपको पता है ना NATO का ग्रुप जो कि 1949 में बना था uh, using the Washington treaty and all. तो NATO का ग्रुप जो है वो S four hundred Triumph system को एस ए ट्वेंटी वन ग्राउलर बोलता है ठीक है ना तो अगर यूपीएससी आपसे एस ए ट्वेंटी वन ग्राउलर पूछता है देखो यूपीएससी कुछ भी कर सकता है ना तो यूपीएससी अगर आपसे एस ए ट्वेंटी वन ग्राउलर पूछ रहा है तो वहां पर आप मेक श्योर sure करेंगे कि आपको पता है कि एस ए ट्वेंटी वन ग्राउलर ही आपका एस फोर हंड्रेड ट्राइम मिसाइल सिस्टम है ठीक है ना याद रखना है आपको ये चीज कि एस ए ट्वेंटी वन ग्राउलर जो है वो आपका एस फोर हंड्रेड ट्राइम एयर डिफेंस सिस्टम है ठीक है ना है क्या ये ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है ठीक है अगली न्यूज है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अलॉन्ग रिसेंटली रिलीज द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स तो अब ये तीसरी और इंपॉर्टेंट न्यूज आज की है एक्स इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स के रिगार्डिंग तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स अभी रिसेंटली किसने निकाला है तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स आपका फेसबुक ने निकाला है अलॉन्ग विथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या फिर आप बोल सकते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाला है अलॉन्ग विद द फेसबुक ठीक है ना यह है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अलॉन्ग विद फेसबुक ने निकाला है ठीक है ना इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है फोर्टी नाइन्थ स्पॉट पर है फोर्टी नाइन्थ स्पॉट में है वेन इट कम्स टू इंटरनेट इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी मतलब कि इंटरनेट इंक्लूजन कितना है मतलब कि कितना मेल uh, फीमेल का क्या रेशियो है इन द इंटरनेट पार्ट ठीक है ना सो दैट इज एक्चुअली वॉट हैज़ बिन फाउंड आउट इन दिस रिपोर्ट तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ठीक है आगे अगर देखें तो अगली न्यूज है इंडिया एंड फ्रांस साइन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन गगनयान मिशन तो गगनयान मिशन के लिए इंडिया ने फ्रेंच जो स्पेस एजेंसी उसके साथ कोऑपरेशन किया है फ्रेंच स्पेस एजेंसी को हम सी एस भी कहते हैं सी एन ई एस भी कहा जाता है याद रखिएगा फ्रेंच स्पेस एजेंसी को सीएनई एस कहा जाता है अब इसरो ने कहा है सी एन ई एस के साथ डील की है कि आप गगनयान मिशन में हमारी मदद करें एंड सी एन ई एस विल एक्ट एज अ सिंगल यूरोपियन कॉन्टैक्ट इन दिस डोमेन मतलब कि गगनयान मिशन के लिए सिंगल यूरोपियन कॉन्टैक्ट सी एन ई एस रहेगा सी एन ई एस विल ट्रेन इंडियाज़ फर्स्ट फ्लाइट फिजिशियंस ऑल्सो मतलब फ्लाइट फिजिशियंस को भी ट्रेन करेगा सी एन ई एस ठीक है ना एंड कैप कॉम मिशन कंट्रोल टीम्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और यह ट्रेनिंग वो वहीं पर प्रोवाइड करेंगे कोलोन जर्मनी में प्रोवाइड करेंगे और सी एन ई एस टो में करेंगे प्रोवाइड ठीक है ना याद रखिएगा इसके अलावा जो आपका सी एन ई एस के इक्विपमेंट्स हैं फ्रेंच के द्वारा बनाए गए वो इंट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी गए हैं और आज भी वो वर्क कर रहे हैं वो इंडिया को भी प्रोवाइड किए जाएंगे प्लस इसके साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गगनयान मिशन जो है वो 2018 में प्रोजेक्ट किया गया था लेकिन अब इसको इस बेसिकली सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी यानी कि जो 2022 है इंडिया की इंडिपेंडेंस की सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी के लिए इसको रखा गया है कि उस साल इसको लॉन्च किया जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लॉन्च इन दैट ईयर तो ये तो थी वो न्यूज़ आइटम्स जो हिंदू में आपको ऐसे नहीं मिलेंगी लेकिन बाकी जगहों से मैंने ढूंढ करके बता दी आज का मैप मैं आपको बताता हूँ तो आज का मैप मैंने उठाया वो है द ब्लैक सी एंड द कंट्रीज़ अराउंड द ब्लैक सी ठीक है ना तो ऐसा कई बार पूछा गया है सी सी लेवल पे भी पूछा जाता है तो ब्लैक सी का हम बताते हैं क्योंकि ब्लैक सी के अराउंड की कंट्रीज़ न्यूज़ में रही हैं चाहे वो टर्की ले लो चाहे वो रशिया ले लो न्यूज़ में रहती हैं तो अब आपको सिंपल पहली चीज़ तो याद रखने कि छः कंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक सी को टच कर देखो आपको थोड़ा चीज़ें याद भी होनी चाहिए Thanks for watching! देर आर सिक्स कंट्रीज विच टच द ब्लैक सी सिंपल सी बात याद रखिएगा छः कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को टच करती हैं कौन कौन सी छः कंट्रीज हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं एक एक करके देखो सबसे ऊपर आपको नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर आपको यूक्रेन दिख रहा होगा यूक्रेन दिस इज द फर्स्ट कंट्री अब देखो यूक्रेन भी न्यूज में रहता है ना तो यूक्रेन डायरेक्टली टच करता है आपका ब्लैक सी को यूक्रेन डायरेक्टली टच करता है अब कॉमन सेंस से यूक्रेन टच कर रहा है तो यूक्रेन और रशिया का डिस्प्यूट चलता ही रहता है तो रशिया दूसरी कंट्री हो गई तो ये रशिया हो गई देखो दूसरी कंट्री अब आज अगर आपको क्वेश्चन याद हो मैंने पूछा था कि ब्लैक सी को आ, कर्च स्टेट किसके साथ जोड़ता है तो ये आपको कर्च दिख रहा है दिस इज द कर्च पार्ट ये कर्च दिख रहा है तो ब्लैक सी को किससे जोड़ रहा है वो सी ऑफ अजोव से जोड़ रहा है तो ये भी आप याद रखेगा तो कौन कौन सी कंट्रीज देखी हमने हमने सबसे पहले यूक्रेन देखी हमने रशिया देखी फिर हमने देखा कि यहाँ पे सी ऑफ अजोब भी छोटा सा है सी ऑफ अजोब देखो तीन कंट्रीज़ के बीच में है यहाँ दो कंट्रीज़ के बीच में है मतलब यहाँ पे यूक्रेन है और यहाँ पे रशिया है और इन दोनों के बीच में कौन सी कौन सा आपका यहाँ पे सी है सी ऑफ़ अजोब तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है कि सी ऑफ अजोब किसके बीच में है तो यूक्रेन और रशिया के बीच में ये याद रखेगा दूसरी चीज़ सी ऑफ अजोव कनेक्ट होता है ब्लैक सी के साथ यूजिंग द कर्च स्ट्रेट तो कर्च स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से कनेक्ट करता है ठीक है नॉर्थ मैंने आपको बता दी कंट्री यूक्रेन फिर मैंने आपको बता दी रशिया ठीक है आगे आते हैं देखते हैं और कौन कंट्री है तो यहाँ पर अगली कंट्री आपको जॉर्जिया दिख रही होगी दिस इज द जॉर्जिया वाला पोर्शन एंड साउथ में एक कंट्री आपको टर्की दिख रही होगी तो एक क्लियर कट बात है कि नॉर्थ में एक ही कंट्री है यूक्रेन और साउथ में एक कंट्री आपकी टर्की ठीक है ना नॉर्थ में एक कौन सी देखी थी हमने यूक्रेन देखी थी साउथ में एक टर्की देखी फिर हमने एक देखी इधर साइड इस वाले पार्ट मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है कहना चाहिए नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन तो वहाँ पे हमने कंट्री देखी रशिया फिर हमने ये देखे स्ट्रेट एकदम ईस्टर्न पार्ट में देखा हमने जॉर्जिया ईस्टर्न पार्ट में एकदम जॉर्जिया देखा तो एक दो तीन और चार कंट्री इधर हो गई ठीक है याद रखिएगा फिर एकदम वेस्टर्न में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बुल्गारिया दिखेगा दिस इज़ द बुल्गारिया वाला पोर्शन दिस इज़ बुल्गारिया एंड फिर लास्ट आपका इधर ये सिक्स कंट्रीज़ रोमानिया ठीक है सिंपल सा छः कंट्रीज़ आपको याद रखना है यूक्रेन नॉर्थ में फिर आपका जो ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पर आपका रशिया और जॉर्जिया फिर साउथ में आपका टर्की फिर जो वेस्टर्न पोर्शन है उसमें आपको रोमानिया और बुल्गारिया ठीक है ना ये आपको सिंपल सी कंट्रीज याद रखनी है छः कंट्रीज हैं जो कि टच करती हैं फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी बता चुका हूँ आज फिर से एक बार दिखा देता हूँ देखो यहाँ पर कुछ लाइन से अगर आप मूव करोगे फ्राम मतलब कहना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट अगर आप मूव करते हो तो लाइन से आपको कुछ मिलता है जैसे एजियन सी मिलता है सबसे पहले फिर सी ऑफ मारमरा मिलता है फिर ब्लैक सी मिलता है फिर आपको सी ऑफ अजोव मिलता है तो एजियन सी ऑफ मारमरा ब्लैक सी और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सी ऑफ अजोब तो ये लाइन से याद रहे फिर से मैं दिखाता हूँ देखो ये ये देखो यहाँ पे सी दिख रहा है दिस इज द सी फर्स्ट देन ये सी ऑफ मारमरा देन ये ब्लैक सी देन ये सी ऑफ अजोव ठीक है ना और जैसे ये यहाँ पे ये तो कर्च स्ट्रेट हो गया अब आप इसमें तो डार्डेनल्स कहाँ पर है दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू कि डार्डेनल्स कहाँ पर है बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पर है अगर आप ये पता लगा सकते हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्थ टू तो ये ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए तो थोड़ा सा ये भी आपको देखना है दिस इज़ अ थिंग विच यू कैन सी इस मैप में स्ट्रेट और डार्डेनल्स स्ट्रेट नहीं दिखे हैं तो वो आप ढूंढ करके मुझे एक बार बताइएगा ठीक है ना तो दिस वाज़ द मैप फॉर टुडे आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है यूके केन नॉड फॉर एक्स्ट्राडिशन ऑफ नीरव मोदी इन द पी एन बी केस कल मैंने अलग से एक वीडियो में बनाया था वैसे है ना बहुत ईजिली मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी क्या है तो वो सिंपल सी बात है दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहली चीज तो ये कि जो यहाँ पर नीरव मोदी है वो पी एन बी स्कैम केस में गया था ठीक है ना दो हजार उन्नीस में अरेस्ट किया गया था यू के पुलिस द्वारा नीरव मोदी को लंडन में अरेस्ट किया गया था ठीक है ना यहाँ से ये पैसा लेकर के भाग गया था और लंडन चला गया था वहाँ पर इसको अरेस्ट किया गया फिर इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की एज पर द एक्स्ट्राडिशन एक्ट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड थ्री याद रखेगा हमारा यहाँ का जो एक्सट्राडिशन एक्ट है वो एक्सट्रक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड थ्री है ना एक्सट्राडिशन एक्ट दो हजार तीन का है ठीक है अब एक्सट्राडिशन एक्ट दो हजार तीन के अंतर्गत जो उसमें इंडिया है वो एक पार्ट टू कंट्री है फॉर द फॉर ब्रिटेन और उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ब्रिटेन में कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का जो आदमी होगा वो एक्सट्रैडिशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है तो यहाँ पर हुआ यह है कि यूके के जो होम सेक्रेटरी हैं यानी कि प्रीति पटेल शी हैज़ एक्सेप्टेड द एक्स्ट्रा ऑफ नीरव मोदी एंड इस कारण से अभी क्या है कोर्ट्स में चौदह दिन की अपील की जा सकती है तो हाई कोर्ट जो है वहाँ पे यूके का हाई कोर्ट जो है वहाँ पे चौदह दिन के अंदर अपील की जा सकती है बाय नीरव मोदी अगेंस्ट दैट डिसीजन ऑफ एक्सट्रैडिशन तो लेट्स सी वो ऑब्वियस बात है उसको यूज़ करेगा ये पूरा का पूरा अदरवाइज ही विल बी कमिंग टू द आर्थर रोड जेल जो भी है जेल है वहाँ पर आर्थर रोड में वहाँ पर उसको लाए जाने का पूरा प्लान हो चुका है ठीक है ना तो यहाँ आप देखो लिखा भी है मुंबई आर्थर रोड जेल वहाँ पर ये इसको लाया जाएगा नीरव मोदी को ठीक है ना वेयर ही वुड बी कैप्ट आफ्टर द एक्स्ट्राडिशन ठीक है तो ये आपको दो बेसिक फैक्ट याद रखने हैं कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट कब का है ये आपका है दो हज़ार का एक्स्ट्राडिशन एक्ट है उसके अलावा इंडिया जो है वो पार्ट टू कंट्री है ये भी आपको पता होना चाहिए सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है गर्ल्स फेस मोर प्रेशर ड्यूरिंग द पैंडमिक स्टडी अब एक स्टडी है जिसने कि ये बताया कि गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ द पैंडमिक और कोविड नाइन्टीन और किस सेंस में कर रही हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है देखो तो चार यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज प्रेशर टू गेट मैरिड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज प्रेशर टू गेट मैरिड सेकेंड इज स्पेंडिंग लॉन्गर आर्स ऑन हाउस होल्ड चोर्स मतलब uh, कि ज़्यादातर घर के काम करने पड़ पड़, पड़ रहे हैं और ज़्यादा लंबे समय तक करने पड़ रहे हैं थर्ड इज लैकिंग लैकड टूल्स टू कंटिन्यू स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन यानी कि दे लैक्ड द टूल्स टू कंटिन्यू द स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन एंड फोर्थ है इंक्रीज जेंडर बेस्ड वायलेंस ठीक है ना तो ये चार पॉइंट्स हैं इंक्रीज प्रेशर टू गेट मैरिड स्पेंड लॉन्गर आवर्स ऑन हाउस होल्ड चोर्स लैक द टूल्स टू कंटिन्यू द स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन एंड रिपोर्टेड एंड इंक्रीज इन द जेंडर बेस्ड वायलेंस अब देखो ये न्यूज़ आपको हेल्प करेगी मेन सांसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में या कभी भी अगर आपको कोविड के ऊपर लिखने के लिए आ गया या कोविड का जो डिफरेंशियल इम्पैक्ट वुमेंस पे देखने के लिए आया है अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि वॉट आर द डिफरेंशियल इंपैक्ट्स ऑन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक तो यहाँ पर आप अलग से हाईलाइट करेंगे कि फीमेल्स किस तरीके से अलग मतलब कि पैंडमिक में डिप्रेशन तो सबको हो रहा था देखो डिप्रेशन सबको हो रहा था फ्रीडम लैक ऑफ़ फ्रीडम सबको हुई है लेकिन ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि जो फीमेल्स को ही ज्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस करना पड़ा या घर में ज़्यादा काम करने पड़े तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी ठीक है ना इस स्टडी को सपोर्ट किया गया था बाय द यू गवर्नमेंट एंड कंडक्टेड बाय एम पावर ये जो स्टडी है ये कंडक्ट किसने की थी एम पावर ने दिस इज़ एम पावर याद रखिएगा एम पावर इज़ अ ग्लोबल फ़िलेंथ्रोफी फोकस्ड ऑन एट हाई रिस्क यूथ इन इमरजिंग इन इमर्जिंग मार्केट्स ठीक है ना तो ये बेसिकली एम पावर नाम का जो फिलेंथ्रोफिक ग्रुप है ये फोकस्ड रहता है एट हाई रिस्क यूथ इन इमर्जिंग मार्केट्स ठीक है तो इसको भी आप याद रखिएगा दिस इज अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड मेन जो चैलेंज था वो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस ना करने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थे और अगर रिसोर्सेज थे तो प्रॉपर टाइम नहीं था क्योंकि उनके द्वारा घर के काम किए जा रहे थे देर दे डिड नॉट हैड मच टाइम टू गेट एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल ठीक है ना तो याद रखिएगा अब आपके क्वेश्चन तो आज आपको पता हो गए होंगे ना मैंने कर्ज स्टेट वाला जो टफ था वो बता दिया स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आप बिल्कुल बताइए मुझे किस कौन निकालता है मानस प्लेटफॉर्म का सेकंड स्टेटमेंट गलत है कल ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ था पहला सही है दूसरा स्टेट तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि स्टेट ऑफ कर्ज ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करता है ठीक है ना तो दीज आर द इजी क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है यहाँ पर एडिटोरियल है एक जो हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खास नहीं है एडिटोरियल मैं आपको क्लियर बता दूँ द रूट्स ऑफ अ डी सेंटर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर डी सेंटर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्यों कहा गया है टर्म सबसे पहले हमको ये समझना है डी सेंटर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इसलिए कहा गया है क्योंकि अब नए सेंटर्स बनते जा रहे हैं देयर आर न्यू सेंटर्स कमिंग अप फॉर विच आर इन द रेस फॉर इंटरनेशनल पावर ठीक है for, uh, ना थोड़ा सा हेर की अगर आपका अगर आपको टाइम फ्रेम पता हो तो सबसे पहले जो पावर थी वो थी यूरोपियन पावर स्पेशली जो इंग्लैंड और आपका फ्रांस वाला जो पावर है दे वर वेरी पावरफुल और इनकी पावर को एंड लगा जब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हुआ और ऑथर ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि जब वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के बाद इनफैक्ट नाइनटीन में अगर हम देखें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइनटीन में जब स्वेस कैनाल क्राइसिस आई थी जहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड जो थे उन्होंने जाकर के कैप्चर कर लिया था स्वेस कैनाल को तो इट वॉज़ अमेरिका जिसने की ऑर्डर दिया था कि ब्रिटेन एंड फ्रांस वहां से हट जाएं, विड्रू फ्रॉम देयर एंड इसीलिए यह लिखा कि पैक्स ब्रिटेनिका गिव वे टू पैक्स पैक्स अमेरिका तो बेसिकली ये वो टाइम था वर्ल्ड वारल्ड वॉर टू के बाद का जब अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया तो सबसे पहले हमने क्या देखा था रिनासा पीरियड के बाद हमने देखा था कि यूरोपियंस देवर वेरी एक्टिवली देवर वेरी ऑन हाई नोट फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कोलम्बस uh, ने किस तरीके से डिस्कवर किया फिर अमेरिको वेस्यूपोसी ने किस तरीके से डिस्कवर किया उसके बाद uh, कैसे इस तरीके से यूरोपियंस आए पोर्चुगीज़ हो गए आपके चाहे डच uh, हो गए चाहे आप इंग्लिश uh, को ले लो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ले लो चाहे आप फ्रेंच uh, को ले लो तो ये सारे पावर्स जो थे यूरोपियन पावर्स ने टेक ओवर किया था लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इट वॉज अमेरिका दैट दैट वॉज द सुपर पावर उस समय अमेरिका एंड यूएसएसआर दोनों ही पावरफुल थे यूएसएसआर का डिस इंटीग्रेशन में हो गया तो अमेरिका वॉज नो ओनली वन फिर नाइनटीन 1955 में एक बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी यह भी एक एक चीज लिखी कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी नाइनटीन में जिसमें एशियन एंड अफ्रीकन स्टेट्स आए थे तो एफ्रो एश एफ्रो एशियन कहना चाहिए सॉलिडेरिटी को प्रमोट प्रमोशन दिया था नाम बना था इसी के बाद है ना आपको पता है नॉन अलाइंड मूवमेंट बना तो एक ऐसी सेट ऑफ कंट्रीज़ भी डेवलप हुई थी जो कि थोड़ा चैलेंज कर रही थी अथॉरिटी को है ना चाहे एटलीस्ट पोलिटिकल अथॉरिटी को तो चैलेंज कर ही नहीं थी कि भैया हम ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ना कि ना ही कम्युनिस्ट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं ना ही हम आपके कैपिटलिस्ट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते तो बेसिकली ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से एशियो ए, ए, एफ्रो अफ्रो एशियन कहना चाहिए यूनिटी एक तरीके से डेवलप हुई है थ्रू द बैंडिंग कॉन्फ्रेंस तीसरा पॉइंट जो ऑथर ने बताया वो ये बताया कि किस तरीके से डेंट लगा है टू द अमेरिकन सुप्रीमेसी तो ऑथर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे स्पेशली अगर आप देखें तो डेंट लगा है टू द अमेरिकन सुप्रीमेसी क्यों लगा है डेंट बिकॉज फर्स्ट थिंग उन्होंने एक तो नेटो से ही विड्रॉ करने के लिए कह डाला अब नेटो एक ऐसा अलायंस है जो कि काफ़ी काफ़ी पावरफुल अलायंस है एंड आप उसी उसी को छोड़ने के लिए बोल दिए कि नेटो ही हम छोड़ देंगे तो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि उन्होंने बड़ी बड़े इंटरनेशनल ग्रुप जैसे टी को छोड़ दिया डब्ल्यू को छोड़ दिया था यू को, को छोड़ दिया था इसके अलावा कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा उस समय जो प्रोटेक्शनिज्म की रजीम थी मेक्सिको के खिलाफ वॉल बनाने का चाहे आप देखो चाहे कुछ भी इनके रूल्स थे तो ये काफ़ी नई चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने की जिससे कि अमेरिकन सुप्रीमेसी को एक डेंट लगा है और दैट डेंट इज़ का मतलब कि जो इंटरनेशनल अथॉरिटी थी अमेरिका की उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया है ठीक है ना तीसरा जो चौथा पॉइंट जो आता बोलता है वह यहा था, था थे कि डायरेक्शंस बाय चाइना ना चाइना इज़ एक्टिंग एज अ लीडर टू द एशियन वर्ल्ड एशियन वर्ल्ड का देखो तो एशिया में दो पावर्स मेन हैं जो कि टेक ओवर कर सकती हैं एक है एशिया एशिया की आ, आपकी कहना चाहिए चाइना और दूसरी है आपकी आ, इंडिया इंडिया एंड चाइना तो इंडिया जो है वो भी सुप्रीम पावर है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा हमको समझना चाहिए कि मिलिटेरिली चाहे अगर आप ले लो चाहे इकोनॉमिकली ले लो वी आर लिटिल बिड लिटिल बिड मतलब कहना चाहिए कि पीछे हैं फ्राम चाइना तो चाइना इज़ एक्टिंग एक्चुअली लाइक आ सुपीरियर एंड इन सेंस में एंड काफ़ी कंट्रीज चाइना को वो भी करती हैं लेकिन चाइना की जो अप्रोच रहती है काफ़ी ज़्यादा सेम्फ सेटर्ड रहती है मतलब दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रमोट देर ओन इंटरेस्ट देलवेज ट्राइंग टू प्रमोट देर ओन बेनिफिट है नाइन वो किसी भी माध्यम से हो सो दैट मस्ट नॉट बी द अप्रोच ऑथर ने कहा कि अगर चाइना चाहता है कि अगर एशियन सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें चाइनीज सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें तो चाइना जो चाहे वो कर सकता है लेकिन एशियन सुप्रीमेसी की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये एटीट्यूड ये जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है अप्रोच है ये नहीं चलेगा एंड चाइना हैज टू लीड बाई एग्जाम्पल अगर चाइना लीड करना चाहता है तो इट हैज टू लीड बाई एग्जाम्पल बाय टेकिंग एवरी वन विद द ग्रुप है ना नॉट बाय रनिंग अहेड ऑफ द ग्रुप ठीक है ना तो ये सिंपल सी बात आपको याद रखें लेकिन चाइना कैन प्रोवाइड अ थ्रेट टू यूएस यू सुप्रीमेसी अगर बिल्कुल चाइना चाहे तो यूएस सुप्रीमेसी को एक थ्रेट पहुंचा सकता है एंड देर इज अ डुएलिज्म इन द वर्ल्ड ऑर्डर विद नो क्लियर हैजेमोनी ऑथर ने बिल्कुल तो क्लियर कर दिया कि देर इज अ डुलिज्म इन द वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर में कोई क्लियर हैजेमोनी नहीं है कोई एक सिंगल नेशन ये नहीं बोल सकता कि नाउ दे आर हेजेमोनिक और दे आर हैविंग कमांड ओवर अदर्स ठीक है ना तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट लास्ट uh, मैं आपको इस आर्टिकल में यह बताना चाहता हूं यूएस पुल आउट विदाउट एनी सेटलमेंट लीव द तालिबान स्ट्रोंगर तो ऑथर ने कहा है कि अब जो यूएसए है उसने कहा है कि हम एक मई से पुल आउट करना शुरू कर देंगे 11 सितंबर तक पुल आउट कर लेंगे सो दैट इज़ एक्चुअली लीविंग तालिबान स्ट्रॉगर अब देखो अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जिसने कि डील कर ली तालिबान के साथ किस में डील की दोहा टॉक्स अगर आपको पता हो दोहा टॉक्स ये याद रख लेना दोहा टॉक्स के बारे में तो रिसेंटली जो दोहा टॉक्स हुई थी वो हुई थी अमेरिका और तालिबान के बीच में अब आपने उनसे क्या फुसुर की क्या उन्होंने बात की आपसे आप यहाँ से विड्रॉ कर रहे हो आपकी तो एक बात उन्होंने नहीं मानी आप उनकी सारी बात मान के यहाँ से चले जाओगे और जब आप चले जाओगे तो अफ़गानिस्तान को आप एक अनस्टेबल कंट्री के रूप में छोड़ के जाओगे दूसरी चीज़ एक पावर टसल जो चल रही है पावर टसल चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है जो कहना चाहिए कि जो जो आपको जो तराजू है वो कहीं ना कहीं तालिबान की तरफ काफ़ी पड़ रहा भारी लग रहा है उसका ठीक है ना तो दैट शुड नॉट हैव हैपन फर्स्ट उनको क्लियर करना चाहिए था कि किस तरीके से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होगा अदरवाइज़ अब वो चले जाएंगे ना तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तालिबान टेक ओवर कर सकते हैं बड़ी इजिली टेक ओवर कर सकते है, कर सकता है ना तो दैट शुड नॉट हैपन एंड यू को ये चीज़ समझनी चाहिए थी अनाउंस तो कर दिया जाने का लेकिन दे आर लिविंग एक्चुअली तालिबान एट अ वेरी पावरफुल स्टेज है उनको पहले या तो खसुर फुजुर नहीं करनी चाहिए थी इंडिया लाइकली टू रिसीव अ नॉर्मल मानसून आई एम डी अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था ये भी आपको याद होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंसिस के अंदरगत आता है ये और इनका ये कहना है कि नॉर्मल रेनफॉल जो होगी इस बार वो होगी तो मैंने आपको पहले ही बताया लेकिन एक चीज एक बार फिर से बताता हूँ देखो इन नॉर्मल रेनफॉल जानने के लिए आपको पहले एल जानना है लॉन्ग पीरियड एवरेज लॉन्ग पीरियड एवरेज एक पचास साल के पीरियड का एवरेज रेनफॉल रहती है ठीक है ना पहले ये पीरियड था जो वो था नाइनटीन फिफ्टी से टू के बीच का पीरियड था ये अब याद कर लो इस चीज़ को पहले

याद रखिएगा नॉर्मल एवो नॉर्मल एंड एक्सेस रेनफॉल क्या होता है देखो नॉर्मल रेनफॉल का मतलब है कि जब रेनफॉल 96 परसेंट से 104 परसेंट ऑफ एल हो व्हेन द रेनफॉल इज़ बिटवीन 96 परसेंट ऑफ एल पी ए टू हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर परसेंट ऑफ एल पी एन दैट इज एक्चुअली द नॉर्मल मानसून एब नॉर्मल मॉनसून होता है जब 104 परसेंट ऑफ एल से 110 परसेंट ऑफ एल हो और अगर 110 परसेंट ऑफ एल से ज्यादा रेनफॉल है तो एक्सेस रेनफॉल है याद रहेगा बहुत इजी चीज़ है कोई कठिन चीज़ नहीं एल पी ए समझ गए आप एल पी अगर समझ गए नया एल पी ए का ईयर समझ गए नए एल पी ए का आप रेनफॉल समझ गए एट्टी एट सेंटीमीटर बस आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल रेनफॉल इज़ एक्चुअली नाइन्टी सिक्स परसेंट टू हंड्रेड एंड फोर परसेंट ऑफ एल पी है एवव नॉर्मल रेनफॉल इज़ हंड्रेड एंड फोर परसेंट ऑफ़ एल पी है टू हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ एल पी एंड एक्सेस रेनफॉल इज़ हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ एल पी ए से ज़्यादा ठीक है ना तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स आपको याद अगर रहेगा तो काफ़ी अच्छा है है ना दिस इज अ थिंग और आईओडी मैंने आपको बताया था इंडियन ओशियन डाइपोल अगर अब आज आपकी बारी है कि इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है दिस इज अ क्वेश्चन टू यू मैंने आपको बताया था कि जब इंडियन ओशियन में वेस्टर्न ईस्टर्न ईस्टर्न साइड पर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें उ, 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 उससे आईओडी आता है पॉजिटिव आईओडी जो है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल जो है वो रेनफॉल को बढ़ाता है मदद करता है और निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है वो ड्रॉट्स को बढ़ाता है ठीक है ना तो आप बताइए मुझे इंडियन ओशन डायपोल क्या है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एनसो अगर आपको समझना है यानी कि एलिनो और लालीना अगर आपको समझना है तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ बट जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन मिलो क्या अगर आप वीडियो चाहते हैं एनसो पे तो मैं बना दूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट यू हैव टू टेल मी फर्स्ट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है तो यू कैन मूव विद मी लेट्स सी अहेड हेड ईरान सेज इट स्टार्टेड एनरिचिंग यूरेनियम टू सिक्सटी परसेंट अब ईरान जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स के लिए प्रेशर बनाने की सोच रहा है और ईरान ने कहा है कि नाउ दे आर देव बिगेन इन रिचिंग द यूरेनियम टू इट्स हाइस्ट लेवल लेवल एवर वहाँ पे ईरान ने साठ परसेंट तक के लिए एनरिचमेंट शुरू कर दिया है इसके पहले उन्होंने कहा था हम बीस परसेंट तक एनरिचमेंट करेंगे सो दे आर एक्चुअली ट्रिपलिंग द लेवल ट्रिपल कर दिया है बीस परसेंट से साठ परसेंट की तरफ वो कर रहे हैं एनरिचमेंट अब देखो मैं थोड़ा आपको बता दूँ बेसिक्स बता दूँ ईरान जो न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें केवल थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट तक का एनरिचमेंट कर सकता था ईरान अब सो जो ईरान न्यूक्लियर डील में तहत केवल थ्री पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट तक का एनरिचमेंट कर सकता है एंड नाउ दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग एनरिचमेंट फॉर सिक्सटी परसेंट तो कहीं ना कहीं जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर काले घने बादल छाते जा रहे हैं अगली चीज़ जो है एक और चीज़ बता दूँ कि क्या ये वेपन ग्रेड वेपन ग्रेड एनरिचमेंट है तो अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए एनरिचमेंट करना है तो एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ एनरिचमेंट इज नीडेड ये आप याद रखिएगा कि वेपन ग्रेड सिक्सटी परसेंट भी नहीं है वेपन ग्रेड एनरिचमेंट के लिए नाइन्टी परसेंट एनरिचमेंट होना जरूरी है देखो यहाँ पे लिखा भी है वाइल्ड सिक्सटी परसेंट इज हायर देन एनी ईरान प्रीवियसली एनरिड यूरेनियम इट इज स्टिल लोअर देन द वेपन ग्रेड लेवल्स इट इज स्टिल लोअर देन द वेपन ग्रेड लेवल्स ऑफ नाइन्टी परसेंट एंड ईरान हैड बी एनरिचिंग अप टू ट्वेंटी परसेंट अप टू नाव तो अभी तक केवल ट्वेंटी परसेंट कर रहा था ईरान लेकिन साठ परसेंट कर रहा है फिर भी ये वेपन ग्रेड नहीं है वेपन ग्रेड के लिए नाइन्टी परसेंट एनरिचमेंट होना जरूरी है तो वेपन ग्रेड के लिए कितना एनरिचमेंट चाहिए नाइन्टी परसेंट एनरिचमेंट चाहिए तो ये भी आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए थी लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई कि ईरान की जो डील थी यानी कि जिसको जे सी पी ओ ए बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रीहसिव प्लान एक्शन बोलते हैं ईरान डील उसमें केवल थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट का एनरिचमेंट कर सकता था ईरान ठीक है ना थ्री पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट का अब आपके लिए एक सवाल है एक सवाल अच्छा सवाल पूछता हूँ मैं एक आप बताइए कि फर्टाइल एंड फिज़ाइल मटेरियल फ़र्टाइल एंड फिज़ाइल मटेरियल के बीच में क्या डिफरेंस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टाइल एंड फिज़ाइल मटेरियल दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू इफ़ यू कैन आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट विल बी वेरी गुड बहुत अच्छा होगा अगर आप आंसर कर देंगे अगला सवाल है यूएस ट्रेजरी कीप्स इंडिया ऑन करेंसी वॉच लिस्ट अब यूएस ट्रेजरी ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट जो उनकी मॉनिटरिंग लिस्ट है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है मतलब ऐसी कंट्रीज को देखते हैं कि जो अपनी करेंसी के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं या जिनका ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है यू के साथ तो उनको वो वॉच लिस्ट में रखते हैं तो इंडिया जो है वो इलेवन uh, कंट्रीज़ के साथ है मतलब ग्यारह कंट्रीज हैं जो वॉच लिस्ट में उनमें से एक इंडिया भी है याद रखेगा यूएस uh, की जो वॉच लिस्ट है। दिसंबर वाली लिस्ट भी आई थी दिसंबर 2020 में उसमें भी इंडिया वॉच लिस्ट में था और अभी की लिस्ट में भी है तो यूएस की ट्रेजरी जो है ये मॉनिटरिंग लिस्ट निकालती है एंड इसमें करेंसीज को रखा जाता है अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं वॉच लिस्ट में तो तीन क्राइटेरियाज हैं देयर आर थ्री क्राइटेरियाज फॉर द वॉच लिस्ट पहला है देखो अ सिग्निफिकेंट एटलीस्ट ट्वेंटी बिलियन डॉलर बायलेटरल ट्रेड मतलब सरप्लस मतलब कि उस कंट्री का कम से कम बीस बिलियन डॉलर का कम से कम बीस बिलियन डॉलर के अमाउंट uh, का ट्रेड सरप्लस होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट सेकंड अ मटेरियल करंट करंट अकाउंट सरप्लस एक करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए तीसरा पॉइंट परसिस्टेंट परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन इन द फोरएस मार्केट मतलब वो जो कंट्री है वो वन साइडेड इंटरवेंशन कर रही हो फर मार्केट में तो ये तीन पॉइंट्स हैं याद रखिएगा है। पहला क्या है कम से कम बीस बिलियन डॉलर का बायोलेट्रल ट्रेड सरप्लस फिर दूसरा है कि एक मट एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा का करंट अकाउंट सरप्लस और तीसरा जो है वो ये है कि वो कंट्री वन साइडेड इंटरवेंशन कर रही हो इन द फोरएस मार्केट तो इंडिया जो है ग्यारह कंट्रीज़ में शामिल है, बाकी की दस कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो चाइना है जापान है कोरिया है जर्मनी है आयरलैंड है इटली मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड मेक्सिको, दीज आर द अदर टेन कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ हैं है ना और इम्पॉर्टेंट है कि आयरलैंड और मेक्सिको जो थे वो दिसंबर वाली लिस्ट में नहीं थे ठीक है ना लेकिन अब वो इस बारी लिस्ट में आ गए हैं और इंडिया के दो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है देखो जो ट्रेड सरप्लस वाला क्राइटेरिया है वो और वन साइडेड मार्केट फोर एक्स इंटरवेंशन ये दोनों क्राइटेरिया इंडिया पूरे कर रहा है सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आगे देखते हैं सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दर वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे